Welcome to Arogyam Nutrition. In our last guidelines, we discussed about safe cooking methods and utensils to be used. हमारे बॉडी में 70% वेट जो है वो वाटर का होता है. जिस तरह से 70% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, approximately the similar amount of water is present inside our body. Water is present in all the body fluids including blood. वाटर हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो दैट मीन्स वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑन एन एवरेज यहाँ पे ये बताया गया है कि एक ऑन एन एवरेज अडल्ट पर्सन को जो वाटर की नीड होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्लासेस, दैट मीन्स 2 लीटर्स के अराउंड. रेस्ट जो आपकी डिमांड है, जो आपकी बॉडी की नीड है, दैट मे वेरी बेस्ड अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड आउटसाइड टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर. वाटर को सेफ टू ड्रिंक कैसे बनाना है? पानी को आपको 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करना है. बॉयल करने से ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी किल्ड और जो वाटर की हार्डनेस है वो भी कम हो जाएगी. बट बॉयल करने से केमिकल इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं किया जा सकता. जब हम पानी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कस ऑल द फ्लूइड्स, क्योंकि जितने भी क्लियर फ्लूइड्स हैं या जितने भी हम ड्रिंकिंग ऑप्शंस लेते हैं वो सभी हमारी हाइड्रेशन में हेल्प करती हैं. सो वी हैव टू डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ फ्लूइड्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एवरी डे जो हम चीज़ें पीते हैं. सो उसमें एक बहुत ही कॉमन चीज़ है विच इज़ सॉफ्ट ड्रिंक. लेट्स डिस्कस अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक कि सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, वो हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए. सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं नॉन अल्कोहलिक होते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्बोनेटेड भी हो सकते हैं एंड नॉन कार्बोनेटेड भी हो सकते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स मे कंटेन शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, एडिबल एसिड्स लाइक मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और विनेगर एट्सेट्रा, नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड समटाइम्स फ्रूट जूस. कंपेयर टू फ्रेश फ्रूट जूस, मोस्ट कमर्शियली अवेलेबल फ्रूट जूस मे कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ फ्रूट पल्प एज लो एज 7%. Carbonated beverages contain phosphoric acid and may damage the enamel of teeth and affects appetite if taken in excessive amounts. Synthetic soft drinks are not substitute for water or fresh fruits and therefore should be avoided. Beverages like buttermilk, lemon water, whole fruit juice and coconut water are excellent alternatives to synthetic drinks. Consumption of soft drinks or commercially available fruit juices increases one's sugar and salt intake and hence must be avoided. So it's very clear कि कोई भी soft drink, चाहे वो carbonated है या non-carbonated है, it has high amount of sugar, high amount of salt as well as preservative, artificial colors and flavors. So हमें avoid करना है packaged drink को. उसकी बजाय हमें पीना क्या क्या है? लेमनेड इज अ गुड थिंग, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, छाछ आप ले सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर एक्सलेंट चॉइसेस फॉर आर हाइड्रेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्रूट जूसेस कि हमें फ्रूट जूसेस पीने हैं या नहीं पीने हैं. बहुत सारे फ्रूट्स को हम जूसिंग करते हैं, जैसे कि एप्पल है, ऑरेंज है, स्वीट लाइम है, पाइन एप्पल है. इन सबको हम जूस फॉर्म में लेना हमें अच्छा लगता है. लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रेश फ्रूट को और जूस को तो दोनों में विच वन इज बेटर? सो ऑब्वियसली फ्रूट इज बेटर, क्योंकि फ्रूट में फाइबर जो है वो इंटैक्ट रहता है. सेकेंड थिंग इज जो उसकी शुगर कंसनट्रेट हो जाती है जूस में, वो फाइबर के साथ रहने पे जब हम होल फ्रूट खाते हैं तो वो हमारी शुगर स्पाइक्स नहीं होती हैं जब हम होल फ्रूट्स को खाते हैं. फ्रूट जूसेस आर नॉट दैट बैड जितना के सॉफ्ट ड्रिंक्स बैड होते हैं. लेकिन अगर फ्रूट जूस और फ्रूट का कंपेयर किया जाए तो फ्रूट्स आर बेटर देन फ्रूट जूसेस. फ्रूट जूस का रेगुलर कंजम्पशन इज नॉट गुड, लेकिन ओकेजनली अगर आप पीना चाहते हैं तो ओकेजनली देयर इज नो प्रॉब्लम. शुगर केन जूस भी समर्स में बहुत ज्यादा पिया जाता है. शुगर केन जूस में शुगर जो लेवल है वो काफी हाई होता है. अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस 13 ग्राम से लेके 15 ग्राम पर 100 ml इसमें शुगर होती है. तो शुगर केन जूस को जो है बहुत रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कभी कभी शुगर केन जूस भी पी सकते हैं. नेक्स्ट जो बेवरेज है दैट इज टी एंड कॉफ़ी. चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती है.
लेट्स सी चाय और कॉफी के बारे में गाइडलाइंस का क्या कहना है. टी एंड कॉफी कंटेन कैफीन विच स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूसेस फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस. अ कप ऑफ ब्रूड कॉफी कंटेन्स 18 to 120 mg ऑफ कैफीन. इंस्टेंट कॉफी कंटेन्स 50 to 65 mg एंड टी कंटेन्स 30 to 65 mg ऑफ कैफीन. Moderation in tea and coffee consumption is advised so that caffeine intake does not exceed the tolerable limits. So, कहने का ये मतलब है कि tea and coffee आप ले सकते हैं, लेकिन excessive consumption need to be avoided क्योंकि उससे आपका caffeine intake increase हो जाएगा. Maximum caffeine intake जो है एक दिन में, it should not be more than 300 milligram. Tannin is also present in tea and coffee and is known to interfere with iron absorption. Hence, tea and coffee should be avoided at least for 1 hour before and after meals. This point is very very important. हम लोगों को habit होती है कि meal के साथ चाय लेना है, meal के साथ coffee लेना है. तो चाय और कॉफी को खाने के साथ नहीं लेना है क्योंकि उसमें जो टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी एंड ब्लैक टी. के ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी पीने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. ग्रीन टी और ब्लैक टी कंटेन्स थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन विच आर नोन टू रिलैक्स आर्टरीज एंड देयर बाय प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन. They also contain flavonoids and other antioxidant polyphenols which may reduce the risk of coronary heart disease and stomach cancer. These benefits can be best obtained if milk is not added to the tea and if it is taken in moderation. जब भी हम ग्रीन टी या ब्लैक टी लेते हैं उसमें मिल्क एंड शुगर दोनों को अगर हम हटा देते हैं so it is not harmful, rather it is beneficial for us. ज्यादा कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, एलडीएल भी बढ़ सकता है. अल्कोहलिक बेवरेजेस जो कि हम सबको पता है कि WHO की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नो लेवल ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो आगे डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं है जब बता ही दिया है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन बॉडी. तो दैट मीन्स वी नीड टू कंप्लीटली कट डाउन ऑन अल्कोहल. So that's all for today. ये थी हमारी fluids की guidelines कि हमें कितना पानी पीना चाहिए. That is approximately 2 liters. बाकी इसका एक और indicator भी है कि you have to watch your urine color. कि अगर आपका urine color बहुत dark आ रहा है, that means your body is dehydrated. और बिल्कुल water की तरह plain आ रहा है, तो that means आप over hydrated हो. That means थोड़ा सा reduce करने की ज़रूरत है. Very light pale colored urine is showing well hydrated body. So उसको भी आप as an indicator ले सकते हो अपने पानी की quantity को judge करने के लिए कि आपकी body को कितना water required है. Video से related in case if you have some queries comment box में जरूर लिखें. We'll definitely answer. Thank you for watching and let's meet in the next guidelines.